नमस्कार दोस्तों, आज हम लौरा नाम की लड़की के कहानी के बारे में जानेंगे जो अपने पति के होते हुए एक दूसरे आदमी के साथ पिचकल होती है। आखिर वो ऐसा क्यों करती है और उसके साथ साथ क्या क्या होता है, हम आगे देखेंगे। कहानी शुरू होती है और हम एक लेडी और उसके हस्बैंड को इंटीमेट होते देखते हैं और तभी उनका बेटा वहाँ आ जाता है, जिसे देख उसका फादर उसे गेट बंद करने को कहता है। तभी उसका बेटा कहता है, मैंने चूहे को मारकर खा लिया है। दोनों के होश उड़ जाते हैं और उसका फादर उसे वहाँ से ले जाता है। अब स्टोरी 20 साल आगे जाती है और हम लौरा को अपने पति और बेटे के साथ देखते हैं। लौरा सामान शिफ्ट कर रही होती है और हम एलियट को देखते हैं जो कि वहाँ अपनी बोट को साफ कर रहा होता है और लौरा को वॉच कर रहा होता है। तभी लौरा का सामान गिरने से एलियट बचा लेता है और लौरा इम्प्रेस हो जाती है। तभी लौरा के बेटे जिम्मी को देखते हैं जो पानी में कुछ देखते देखते गिर जाता है। वहाँ भी एलियट उसको बचा लेता है, जिससे लौरा और भी इम्प्रेस हो जाती है। अब लौरा एलियट को अपने घर लाती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है, एलियट बहुत स्मार्ट है। अब हम रात को लौरा को अपने हस्बैंड से रोमांस करते देखते हैं, पर लौरा तो एलियट के बारे में सोच रही होती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को कुछ करने से मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि सुबह एलियट लौरा के घर के नीचे पेंटिंग बना रहा होता है। लौरा वहाँ जाती है और एलियट के बॉडी को देख कर अट्रैक्ट हो जाती है। फिर वह नहाने के लिए वॉशरूम जाती है। अब वह नहा रही होती है तो उसे शक होता है उसे कोई देख रहा है। वो पुकारती है पर कोई जवाब नहीं आता है। फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं एलियट होता है। अब अगले सीन में एलियट लौरा को अपने प्राइवेट शिप पर ले जाता है और लौरा वहाँ सामान ठीक कर रही होती है। तभी उसे लेडीज अंडरवियर मिलती है, जिसे देख लौरा दुखी होती है क्योंकि वह सोचती थी कि एलियट शादीशुदा नहीं है। तभी एलियट वहाँ आता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो। अब एलियट जैसे तैसे करके उसे मना लेता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नाइट को भी लौरा अपने हस्बैंड से रोमांस करने को मना कर देती है। सुबह फिर से एलियट वहाँ आता है और जिम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। लौरा जिम्मी को पढ़ने के लिए भेज देती है, फिर वह नहाने चली जाती है। अब नहाते वक्त वहाँ एलियट भी आ जाता है, जिसे देख लौरा घबरा जाती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों धुआंधार रोमांस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि लौरा भी एलियट की तरफ अट्रैक्ट थी, इसलिए वह मना नहीं करती है और मज़े लेती है। अब अगले सीन में एलियट फिर से लौरा के साथ रोमांस करना चाहता है, पर लौरा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह एलियट को ऐसा करने से मना करती है। पर एलियट कहाँ मानने वाला था, वो फिर से एक बार इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम एलियट को लौरा की फ़ोटो को कट करके अपने फ़ोटो के साथ पेस्ट करते देखते हैं, जिससे पता चलता है कि एलियट मेंटल है, जो कि लड़कियों के साथ रोमांस करता है और उनको मार देता है। अब लौरा ने घर पर एक पार्टी दी थी, जिसमें एलियट लौरा को उसके हस्बैंड के साथ देखकर ज्वेलस फील करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई लौरा के क्लोज आए। अब पार्टी में हेना नाम की लड़की को देखते हैं, जो एलियट को पसंद करने लगती है। अब एलियट उसे अपने प्राइवेट शिप पर ले जाता है, दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अब फिजिकल होने के बाद हेना लौरा की फ़ोटो लगा देख शौक होती है। एलियट को लगता है ये सभी को बता देगी, इसलिए एलियट उसका गला दबाकर मार देता है, फिर उसे पानी में फेंक देता है। उसके बाद एलियट लौरा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं समझती है। तभी वहाँ जिम्मी आ जाता है और एलियट वहाँ से चला जाता है। अब लौरा एलियट के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि एलियट एक साइको है और उसकी शादी भी हो चुकी। तभी एलियट के प्राइवेट शिप के पास एक लड़की आती है और उसका नेकलेस पानी में गिर जाता है। उसे ढूंढने के लिए वो पानी में हाथ डालती है तो उसे एक लाश दिखाई देती है और वो चिल्लाने लगती, ये हेना की लाश थी जिसे एलियट ने मार दिया था। अब अगले सीन में एलियट लौरा के हस्बैंड को किडनैप कर उसे अपने प्राइवेट बोट पर रखता है। इसके बाद वो सीधा लौरा के पास जाता है और उसे भी पकड़कर बांध देता है और उसे एक कमरे में ले जाकर उससे रोमांस करने को कहता है, पर वो मना करती है। अब एलियट उसकी पैंट उतार कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ जिम्मी आ जाता है। अब एलियट जिम्मी को देख अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि एलियट एक साइको किलर है, जिसने अपने पेरेंट्स को घर में ही जला दिया था। तभी लौरा मौका पाकर अपने आप को छुड़ाकर पैंट पहन लेती है और एलियट के सर पर बोतल उठाकर मार देती है और जिम्मी को लेकर वहाँ से भागती है। अब एलियट हैमर से लौरा के सर पर वार कर देता है और उसे उठाकर अपने सीट पर ले जाता है। लौरा के पास चाकू होता है, जिससे वह अपने आप को छुड़ा लेती है।
फिर सिप पर एलियट उसे पकड़ने आता है और लौरा उसे चाकू मार देती है। फिर लौरा अपने पति को ढूंढने लगती है और पति को ढूंढ कर उसे छुड़ाती है, पर बाहर फिर से एलियट उसका पीछा करता है। लौरा उसको अपने पीछे भगाकर एक फैक्ट्री में ले जाती है जहां एलियट उसे पकड़ लेता है। एलियट उसे समझाने की कोशिश करता है पर लौरा नहीं मानती है। अब लौरा मौका पाकर उसे पुश करती है और वह विंडो से नीचे गिरकर मर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लौरा अपने फैमिली के साथ काफ़ी खुश है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।